अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम काउंट के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। काउंट का फार्मूला आपका तब यूज़ होता है जब आपने किसी चीज़ को काउंट करना होता है अपनी एक्सेल की सीरीज़ के अंदर। जैसा कि आप ये देखना चाहते हैं कि यूटिलिटीज़ की वैल्यूज़ आपके पास कितनी हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि कितने मंथ्स हैं, या कितनी एजुकेशनल के रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी कॉलम जो हैं वो फिल आउट हैं। एक तरीका तो है कि मैनुअली अगर डाटा आपके पास कम हो तो आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डाटा ज़्यादा हो तो तब आप क्या करेंगे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट का फंक्शन। काउंट के फंक्शन का जो इजी सा तरीका है, आपने लिखना है इक्वल टू काउंट, उसके बाद आपके पास वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी है और आपने एंटर प्रेस करना है। बहुत आसान तरीका है, आपने लिखना है CUNT काउंट। अब आपके पास जो है सबसे ऊपर वाला आपने यूज़ करना है, जो आपके पास काउंट करेगा एक रेंज के अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं। आपने डबल क्लिक किया, यहाँ से यहाँ क्लिक किया, आपके पास आ गया और एंटर किया 8 आपके पास। इसको वेरीफाई करने के लिए हम दोबारा काउंट खुद भी कर सकते हैं मैन्युअली, क्योंकि ये एक्सेल शीट छोटी सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये आपको काउंट करके बताता है कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल। इसी को ड्रैग करेंगे तो बाकी सब की भी वो आपको काउंट करके दिखा देगा। तो ये आपका इस वजह से यूज़ होता है अगर आप ये चाहते हैं कि जो है नॉर्मली आपको कोई भी वैल्यूज़ जो है आपको काउंट करके दे दे। तो अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आपने सिंपली जो है उनको काउंट करना है, एंटर करें तो आपके पास जो है एक जो काउंट करके बता देगा कि इधर आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। अभी मेरे पास ये डॉलर साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग है मैंने डॉलर की हुई है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, जनरल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काउंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सा फार्मूला था जो एक्सेल के अंदर हम यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए कोई भी वैल्यूज़ जो हैं कि एक टेबल या एक कॉलम या एक रोज़ में कितनी है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया।